हां जहां तक शरई मामलात है। अब वालिद ने कहा बेटे स्कूल जाया करो पाबंदी के साथ, मेहनत करो। बच्चा दोस्ती में लग गया, न कॉलेज जाता है न ट्यूशन पढ़ता है, मां बाप को भी धोखे में रखता है। मां बाप ने ट्यूशन लगा कर दी तो ट्यूशन वाले उस्ताद से भी दोस्ती कर ली और गप्पों में वक्त गुजार दिया। साल के आखिर पर पता चला कि वक्त जाया करता रहा। और जब मां बाप ने कहा कि बेटे तुमने वक्त ही जाया किया, तो आगे से जवाब देता है कि मैंने पढ़ना ही नहीं। अब जो बच्चा इस तरह का बर्ताव करेगा ये मां बाप का दिल दुखाएगा, पर मां बाप का दिल दुखाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। लिहाजा कोई अमल ऐसा ना किया जाए कि मां बाप का दिल दुखे, बल्कि कोशिश की जाए कि इन दुनियावी उमूर में उनका दिल खुश हो, उनके साथ ताल्लुक ऐसा रखा जाए कि उनका दिल जीत लिया जाए, उनकी दुआएं ली जाएं। इस बात को हमेशा पेश नजर रखें। चुनांचे जो इंसान अपने उस्ताद की दुआएं लेगा, इल्मी फैज उसका बहुत फैलेगा। जो मां बाप की दुआएं लेगा, अल्लाह उसके रिज्क में बहुत बरकत अता फरमाए। तो रिज्क की बरकत मां बाप की दुआ के साथ और इल्म की बरकत पीर उस्ताद की दुआ के साथ।